गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज शून्य की भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब शून्य में किसी संख्या को जोड़े या किसी संख्या में शून्य को जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह से परिमेय संख्या में भी जब हम शून्य में कोई परिमेय संख्या को जोड़ते हैं और परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन शून्य जो जोड़ योग में है, लेकिन गुणा में क्या होगा कि जब किसी भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, शून्य से जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, इसे 5 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी गुणात्मक में क्या होगा, शून्य हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अब एक की भूमिका, तो किसी भी संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह से परिमेय संख्या में भी एक से गुणा किया जाए तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अर्थात हम लोग एक को एक तत् गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। अब बच्चों आगे योज प्रतिलोम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं, जब किसी भी संख्या का ऋणात्मक को हम लोग जोड़ते हैं तो वह क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात वह संख्या और उसका जो ऋणात्मक हुआ वह एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 3 का -3, फिर -3 का 3, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। जब किसी संख्या का ये दो संख्याओं को अगर हम लोग गुणा करें तो उसका वैल्यू अगर 1 आता है, जैसे 2 × 1/2, तो 2 का व्युत्क्रम कौन, 1/2, जिसका हम लोग अगर हम लोग कट करें तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अर्थात 2 का क्या होगा, 1/2 गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। उसी तरह से -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/-4 होगा। जब 5 5 कैंसिल 1 4 4 कैंसिल 1 और --कैंसिल, यानी इसका वैल्यू कितना हुआ, 1। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/-4 होता है। अब उसके बाद हम लोग जैसे क्रम विद्वय नियम जैसे पढ़े थे, संवरक नियम, साचर्य नियम, उसी के आधार पर गुणन पर योग का वितरण नियम, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जैसे a/b × c/d + e/f, तो हम लोग a/b को एक बार c/d से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पुनः a/b को e/f से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका हम लोग क्या किए, वितरण किए, यानी बंटवारा कर देते हैं। जैसे 2 + 2 × 3 + 5 क्या लिखेंगे, 2 × 3 + 2 × 5, यानी कितना हो गया, 6 + 10 = 16। आप यहाँ पे देखो बच्चों, 3 + 5 कितना होता है, 8 × 2 = कितना होगा, 16, यानी हमारा LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर। इसी प्रकार से हम लोग ऋणात्मक कोई भी संख्या रहे, ऋणात्मक रहे, उस पर अगर हम लोग विचरण नियम करेंगे तो यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और यह प्लस को क्या कर देंगे, पीछे माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आपका विचरण नियम कंप्लीट होता है। अब बच्चे आप लोग नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करके बनाएंगे। धन्यवाद।